पूर्वी दिल्ली सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली में होने वाले आगामी नगर निगम के उपचुनाव के लिए त्रिलोकपुरी वार्ड के बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश गुगरवाल और कल्याणपुरी वार्ड के बीजेपी प्रत्याशी सियाराम कलौजिया के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में पदयात्रा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सच और झूठ की लड़ाई है। सांसद गौतम गंभीर ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 6 साल में मुख्यमंत्री जी ने जनता को बलगलाने और धोखा देने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो उत्पात मचा उस पर अरविंद केजरीवाल ने इसलिए कोई एक बयान नहीं दिया क्योंकि केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली जितना जलेगी पंजाब में उनकी राजनीति उतनी खिलेगी। चुनाव हम सबके लिए देखिए, जो मैंने काम किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं त्रिलोकपुरी में, वही जनता के सामने रखने आया हूँ। जिस तरीके से गाजीपुर लैंड फिल जो 70 फीट नीचे आया है, जहाँ दिन रात मशीनें चल रही हैं, चाहे वो 1 रुपए में जो जन रसोई हमने खोली है त्रिलोकपुरी में, चाहे वो यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम है जहाँ पर 100 बच्चों को मुफ्त में कोचिंग दी जा रही है, तो इन सारे चीजों को जनता के बीच में लेके आया हूँ जिससे जनता हमारे साथ जुड़े और ये सारे काम जनता खुद अपनी आंखों से देख सकती है। इसमें कोई झूठ नहीं है।